अखबार का वो काला पेज है जिसमें रिच और फेमस लोगों के बारे में छपता है। मेरा नाम मणियासुर है। स्थिति ने शेयर किया कौन सा वीडियो, फिल्म के बीटीएस वीडियो में आई कौन सी तिगड़ी नजर, इस मस्ती के बारे में क्या बोली कृति, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। दोस्तों, फिल्म बच्चन पांडे जल्द ही रिलीज होने के लिए तैयार है और इस फिल्म के एक के बाद एक सरप्राइज को देखकर ऑडियंस बच्चन पांडे को देखने के लिए और भी ज्यादा क्रेजी हो गई है। सरप्राइज से हमारा मतलब फिल्म की पोस्टर, ट्रेलर और गाने से है। इन सब से लोग उभरे ही नहीं थे कि हाल ही में ऑडियंस के पास फिल्म का एक बीटीएस वीडियो आ गया। इस वीडियो को खुद फिल्म की हीरोइन कृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस बिहाइंड द सीन वीडियो में आपको फिल्म की तिगड़ी नजर आएगी, जिसमें कृति के साथ अर्शद वारसी और अक्षय कुमार एक गाड़ी की सवारी करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कृति ने लिखा कि जितनी मस्ती हम लोगों ने फिल्म को शूट करने में की है, उम्मीद है इस फिल्म को देखकर ऑडियंस को भी उतना ही मजा आए। इस फिल्म का सफर सच में एक सुपर फन राइड जैसा ही था, जिसमें मेरे दो क्राइम पार्टनर्स ने मेरा साथ दिया। अब भाई कृति को तो इस फिल्म में काम करके कितना मजा आया वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन फिल्म देखकर फैंस भी उतना एंजॉय करते हैं या नहीं, ये जानने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। आगे बात करें फिल्म के ट्रेलर में अक्षय कुमार बच्चन पांडे नाम के गैंगस्टर का रोल निभा रहे हैं, वहीं कृति और अर्शद वारसी फिल्म मेकर बने हैं जो बच्चन पांडे पर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी खुद की जान बच्चन पांडे के पास आकर खतरे में पड़ जाती है। साथ ही दोस्तों, जैकलीन ने बच्चन पांडे की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया है, लेकिन ट्रेलर में दिखाया गया है कि बच्चन पांडे अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। अक्षय कुमार की इस फिल्म की अब जमकर तारीफ हो रही है। बता दें कि अक्षय और कृति के अलावा पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, प्रतीक बब्बर और अभिमन्यु सिंह फिल्म में अहम रोल्स में दिखेंगे। ये फिल्म 18 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, जिसका डायरेक्शन फरहान सामजी ने किया है। वहीं साजिद नाडियाडवाला ने इसे अपने प्रोडक्शन बैनर तले प्रोड्यूस किया है। तो फिर आप लोग बताएं कि आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? आप अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें।